हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। माय फर्स्ट ब्लॉग के बाद ये सेकंड ब्लॉग है मेरा, और आज अपन चल रहे हैं राजा ईल की नगरी में। राजा ईल का किला बैतूल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। सतपुड़ा पर्वत के पठार में बसा हुआ ये राजा ईल का किला आज खंडहर मात्र है। कभी इसके अतीत में मसालों में हीरे जवाहरात जगमगाते थे। पहुंच चुके हैं राजा ईल की नगरी खेड़ा किला में। अब मैं आपको कराऊंगा किले का पूरा दर्शन, तो चलते हैं वहां आगे किले की ओर। किले की मेन रोड यहां से स्टार्ट होती है। और ये किले का मेन गेट है। किले की ओर जाने से पहले हमें रास्ते में यहां भोलेनाथ का मंदिर मिलता है। ये मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो राजाओं द्वारा ही स्थापित की गई है। और यहाँ पे जो हस्तशिल्प कलाओं से निर्मित मूर्तियाँ हैं, उससे यह मालूम पड़ता है कि वास्तव में यह मंदिर प्राचीन है। बाकी इसका जीर्णोद्धार तो गांव के लोगों ने किया है। यहाँ के ग्रामीण वासी बताते हैं कि राजा ईल शिव भक्त हुआ करते थे। राजा ईल यहाँ पे रोज पूजा करने आते थे। अब हम चलते हैं किले की ओर। खेड़ा राज्य के राजा जैतपाल सिंह के पास पारस पत्थर था। वह अपने प्रजा से कर के तौर पर लोहा लिया करते थे, और उस लोहे को पारस पत्थर से छुआ कर अपने खजाने में रख दिया करते थे, और उसी से अपनी प्रजा का भरण पोषण किया करते थे। जब राजा जैतपाल सिंह का अंतिम समय आ चुका था और मुगलों के आक्रमण से वह परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस पारस पत्थर को तालाब में फेंकवा दिया जाए, और उन्होंने यह पारस पत्थर को तालाब में फेंकवा दिया। फ्रेंड, हम फाइनली पहुंच चुके हैं राजा ईल के किले की सीढ़ियों के पास में, और ये सीढ़ी अब हम चढ़ना चालू कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजा ईल के किले का और उसके पूरे राज्य का इतिहास। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी टाइप की कहानी अगर सुनना है तो बेल आइकन को क्लिक करें। चौदहवीं शताब्दी में नरसिंह नामक एक राजपूत राजा का इस किले पर आधिपत्य था, जो महान पराक्रमी और समृद्धशाली था, जिसका विजय का पताका गोंडवाना के अलावा अन्य राज्य में भी था। सन 1398 में राजा नरसिंह ने बरार पर चढ़ाई करके माहूर किले तक का क्षेत्र नष्ट कर दिया। वहां से अपार धन लेकर अपने किले की ओर लौट आए। हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और अभी थक गए हैं, तो यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब आगे किले की ओर चलेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए। ये राजा ईल के भैरवनाथ है, जो उनके किले की रक्षा करते थे।
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजा ईल के किले में, जो आप देख ही पा रहे होंगे सामने की दीवार जो जीर्ण शील हो चुकी है। ये दीवार आप देख ही पा रहे होंगे। और हम जिस रास्ते से आए हैं वो आपको ये रास्ता दिख ही रहा होगा। और ये नीचे जो मंदिर है उसकी चोटी है ये। पन्नों में एक ऐसे राजा हुए जिनकी कहानी दर्ज नहीं हो पाई, जो राजा ईल थे, जिनका साम्राज्य बैतूल से लेकर अमरावती तक फैला हुआ था। उनके किले को आप देख ही रहे होंगे कि प्रशासन की नज़रअंदाजगी के कारण किस अवस्था में पहुंच गया है। किले पे चढ़ने के बाद भैरव बाबा के मंदिर के बाद ये बजरंग बली का मंदिर आता है। और बजरंग बली के साथ में भोलेनाथ भी विराजमान है। खेड़ा राज्य धनी होने के साथ साथ राजा नरसिंह राय के बहादुर के किस्से के कारण बहुत मशहूर हो चुका था। इसकी सूचना सुल्तान फिरोज शाह को मिली। उसने धन संपत्ति के लूटने के इरादे से खेड़ा किले पर चढ़ाई कर दी। नरसिंह राय ने खानदेश और मालवा के राजाओं से सहायता मांगी, परंतु उन्होंने सहायता नहीं दी। सहायता नहीं मिलने के कारण राजा निराश हो गए और वह चारों और से घिरने के बावजूद बिना युद्ध किए अपनी हार स्वीकार कर बैठे। किले से 5 किलोमीटर की दूरी पर उनकी सेना ले जाकर युद्ध करने लगे। वे आगे बढ़ते जा रहे थे, उनकी जीत निश्चित थी, पर उसी वक्त किसी कारण से सैनिकों में भगदड़ मच गई और उनके कुछ समझ नहीं आया और राजा भी कुछ नहीं समझ पाए। वे पीछे भाग खड़े हुए, किले के अंदर जाकर छिप गए। शत्रुओं ने राजा नरसिंह राय को 2 माह तक किले के अंदर घेरे रखा। किले के अंदर राशन समाप्त हो चुका था और राजा आसक्त हो चुके थे। तब उन्होंने आत्मसमर्पण करने का और संधि करने का निश्चय किया। बादशाह फिरोज शाह ने राजा नरसिंह राय की लड़की से शादी करने के बाद ही किला छोड़ा। इस बीच नरसिंह की मृत्यु के बाद खेड़ा किला मालवा नरेश के अधिकार में होने का उल्लेख मिलता है। उस वक्त भी खेड़ा राज्य काफ़ी समृद्धशाली था। इस किले पर मोहम्मद बहमनी ने भी चढ़ाई की थी। उस वक्त मालवा नरेश की सेना पराजित हो गई, पर राजा को बंदी बनाया जा रहा था। उस वक्त 2 राजपूत वीर ने अपनी निडरता और वीरता दिखाई और बादशाह मोहम्मद बहमनी को मार डाला। बादशाह की मृत्यु देखकर उसकी सेना भाग खड़ी हुई, जिससे खेड़ा का राज्य पुनः मालवा के कब्जे में आ गया। अकबर बादशाह द्वारा खेड़ा को अपने राज्य में मिला लेने का भी वर्णन मिलता है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद यह राज्य राधोजी भोसले के अधिकार में चला गया। बुरहान शाह और उसके भाई के आपस के झगड़े का फायदा भोसले ने उठा लिया और खेड़ा पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने अपनी राजधानी खेड़ा को बनाया। तब 1818 ईस्वी में सीताबर्डी की लड़ाई में अंग्रेजों ने भोसले से खेड़ा छीन लिया। अंग्रेजी इतिहासकार रिचर्ड जॉनकिंस की एक रिपोर्ट में गोंडवाना राज्य के इस किले के ताल में पारस पत्थर का उल्लेख मिलता है। एक और अंग्रेजी इतिहासकार ग्रांट ने सन 1803 से 1818 तक अपने दस्तावेज में इस किले में पिंडारियों के उत्पादों का वर्णन किया है। उनके द्वारा यहाँ पारस पत्थर की खोज का भी उल्लेख किया है। क्षेत्र में पिंडारियों के क्रूरता गतिविधियों का भी वर्णन किया है। अंग्रेजों द्वारा खेड़ा किले को अपने कब्जे में लेने के बाद पारस पत्थर की खोज शुरू की। उन्होंने अंग्रेजों ने हाथी के पाँव में लोहे के जंजीर बांधकर उस तालाब में हाथियों को घुमाना जब
प्रारंभ किया तो लोहे की एक जंजीर का कड़ा खरे सोने में बदल गया। फिर भी उन्हें पारस पत्थर नहीं मिला तो उन्हें गुस्सा आ गया। तब उन्होंने किले को पूरा ध्वस्त करने की कोशिश की, भ्रमण किया था और इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसको भेद पाना वैसे तो मुमकिन नहीं था, पर मुगलों ने कुछ कूटनीति करके और कुछ चालाकी करके यहाँ पे आक्रमण किया। ये बहुत ही अच्छा सनसेट पॉइंट है, अगर आप कभी भी आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे सेल्फी लीजिए। कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। सतपुड़ा की वादियों में जितने भी रहस्य हैं वो आपको आने वाले ब्लॉग में और नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि लोगों तक ऐसे नॉलेज वाले वीडियो पहुँच पाए और जो पुराने रहस्य हैं और किले हैं, स्मारक है, इनके बारे में जानकारियाँ पता पड़ पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू, टेक केयर।